संदीप रेड्डी वांगड़ा के एनिमल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से दर्शक फिल्म के ट्रेलर की राह देख रहे थे। इस बेसब्री और इंतजार को खत्म करते हुए आखिरकार थर्सडे को एनिमल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एनिमल सार 2023 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। तगड़ी स्टार कास्ट और डायरेक्टर की वजह से ये फिल्म पहले से ही चर्चा में बनी हुई है। अब एनिमल का ट्रेलर धूम मचा रहा है। ट्रेलर में रणवीर कपूर दमदार एक्शन करते नजर आ रहे हैं। एनिमल का हर एक सीन हैरान करने वाला है। एनिमल की कहानी पिता और बेटे की कहानी है। बलबीर सिंह के लिए उसका बेटा अर्जुन सिंह पागल है। हालांकि बलबीर का रवैया हमेशा बेटे के लिए खुशहाल रहा है। हालांकि अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बलबीर सिंह सुपर हीरो रहा था और रहेगा। इस बीच कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी बीवी गीतांजलि के साथ परिवार से दूर रहने लगता है। फिल्म में गीतांजलि का किरदार रश्मिका मंदाना ने निभाया है। अर्जुन सिंह को एक दिन खबर मिलती है कि उसके पिता पर किसी ने गोली चला दी। इसके बाद वो बिना सोचे समझे एक बड़ी और खतरनाक जंग पर निकल जाता है। इस जंग में अर्जुन सिंह इंसान से जानवर बन जाता है। पिता के हमलावर की जान लेने की अब उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। लेकिन दुश्मन भी अर्जुन सिंह से किसी मामले में कम नहीं होते। एनिमल की कहानी दोनों की इस जंग के साथ आगे बढ़ती है। फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी स्टार कास्ट है। रणवीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना फिल्म में शामिल है। इनके अलावा तृप्ति डिमरी, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर भी एनिमल का हिस्सा है। संदीप रेड्डी वांगड़ा साउथ के जाने माने डायरेक्टर है। हिंदी बेल्ट में उन्हें पहचान फिल्म कबीर सिंह से दिलाई। फिल्म सुपरहिट रही थी और अब संदीप रेड्डी वांगड़ा अपनी दूसरी फिल्म एनिमल के साथ एक बार फिर हंगामा मचाने के लिए वापस लौट रहे हैं। फिल्म का प्रोडक्शन टी सीरीज ने किया है। एनिमल कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया जाएगा।